السلام عليكم. وعليكم السلام. मत करो प्यारे बच्चों, मेरी बात मान लो, मेरे सबर को मत आजमाओ। खामोश हो जाओ, अपनी आवाज बंद करो। खामोशी से चलो, चलते रहो सीधे। खामोशी से चलो। जिंदान उस तरफ है उस्मान साहब। तुर्गुत साहब, यहीं रुक जाइए, काफिर इंतजार कर रहे होंगे, आप वापस चले जाइए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह लगे कि आप अब भी उनके साथ हैं। जंग मुबारक हो भाइयों। शुक्रिया। सवारी तैयार है ना? देर नहीं होनी चाहिए। जी तैयार है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा। वो तुम्हारा उस्मान तुम्हें बचाने नहीं आया? मुझे छोड़ो, हाथ हटाओ, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो हमें, हाथ हटाओ, छोड़ दो। वो आ जाएंगे, आ जाएंगे वो। सीधे चलते रहो, बहुत हो गया तुम लोग। हाथ हटाओ उसे, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ो।
लेके जा रहे हो? तरबियत का उन्हें हरीश उस तरबियतगाह की तरफ लेकर जा रहे हैं। जल्दी करो सिपाहियों, वो ने यहां से लेकर जा रहे हैं, जल्दी करो, वक्त नहीं है। ठीक है जनाब। चलिए मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। मैं यहां तुम्हारे इलाज के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था और तुम उस्मान की मदद कर रहे हो। हमारे आने का अगर पता चल गया तो इसका हिसाब भी फिर तुर्गुत साहब से लिया जाएगा। यहां पर सिपाहियों की तादाद काफी है। सिपाहियों, तुर्गुत साहब के लिए तैयार हो जाओ। भाइयों
शाबाश शाबाश। गद्दारी की कीमत चुकानी होगी। अगर तुम लोगों के साथ होता तो असल गद्दारी तब होती। अभी तक तुम्हें पता नहीं चल पाया रुगातूस, लोमड़ी के खिलाफ तमाम भेड़िये एक होकर मुतहद हो जाते हैं। तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। तुम सिर्फ उस्मान के आने तक जिंदा रह लो तो यही बहुत है। सिपाहियों, तुमने इसका ताकुब करके अच्छा किया। मैं जानता हूं कि तुर्क नाकाबिले एतमाद हैं। आ गए हम तुर्कुत साहब। मजी से भाई आ रहे हैं, हमें निकलना होगा यहाँ से। हुजूर, यहाँ खतरा है, हमें निकलना होगा। चले हुजूर, चले जल्दी, चले जल्दी, चलो चलो, देर को ताज चलो। जनाब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, इस तरफ आ जाओ, चलो जल्दी। छोड़ना मत इन्हें, छोड़ना मत, चलो पकड़ो सबको। चलो शाबाश, ढाल बनाओ। झुको, मार डालो, झुको, झुको। जनाब इनके तीर तो खत्म हो गए। सुन लो, तुर्कमान बच्चों को लेकर आऊंगा, वापस आऊंगा, सर उतारूंगा तुम्हारा और लेकर जाऊंगा बच्चों को। हमला करो, हमला करो, आ जाओ। सुरंग देखो, वो लोग सुरंग की तरफ जा रहे हैं। जल्दी, सुरंग खोलो। औरत, शाबाश सिपाहियों, शाबाश, खोलो उसे। चेर कोता है, शाबाश, पकड़ो उसे भाई, शाबाश, खोलो उसे, खोलो।
अल्लाह अकबर। शाबाश माशाल्लाह शाबाश। खोलो, ये नहीं खुल रहा जनाब। अरे खोलो उसे। हटो हटो हटो। बच्चों को हासिल नहीं कर पाए, अब क्या करें हम? अकलमंद बच्चे हैं, सुराग छोड़ गए हैं और उन्हें जिस जगह ले जाया गया है हम भी वहीं जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पर जल्दी कबीले लौट जाइए। जैसे आप बेहतर समझें, मगर मुझे जरूर बताइएगा। उस्मान मेरे कले की खुफिया सुरंग से भी वाकिफ है, और तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? कर क्या रहे हो तुम लोग? शुक्र करो वो बच्चों को हासिल नहीं कर पाया, वरना तुम लोगों की खोपड़ियां एक एक करके कुचलना जरूरी हो जाता। बहादुर गोखचे की निगरानी कर रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम कबीले की खवातीन को देखो। खवातीन के पास से जरूर सुराग मिलेगा। हर तरफ निगाह रखती हैं, जरूर कुछ ना कुछ देखा ही होगा। आप परेशान ना हो। मुझे तुम पर भरोसा है आयगुल। साथ मिलकर खत्तानों से निमट लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काई कबीले में कभी भी कोई गद्दार नहीं बच पाया है, और इस बार भी नहीं बचेगा। जल्द हकीकत सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। बाला खाना खा लो बच्ची। कब से खाना रखा है मगर तुमने चखा ही नहीं। ऐसा नहीं करो तुम। मेरा दिल उदास है। गुंजा चली गई है। अहमद काफिरों के कब्जे में है और उस्मान अभी तक नहीं आए। जल्द ही लौट आएगा, जरूर लौट आएगा, और वो भी अहमद को साथ लेकर। वादा है हाँ? इंशाल्लाह माँ। इंशाल्लाह। उस्मान परेशानी की बात नहीं है, उन्होंने सुराग छोड़ा है हमारे लिए। उन्हें जहां ले जाया गया वो हमारे इल्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह मेरे शेरो। वो बच्चे कहां हैं उस्मान साहब? अरिस्तोस तरबियतगाह में ले जाया गया है भाईजान। अब तक जैरकुताई पहुंच चुका होगा। आप कबीले का ख्याल रखिए, हम उन्हें जल्द लेकर आएंगे। चाबाजो तुम सबको ले जाएंगे। तुम लोगों को दुश्मनों के पंजों में नहीं रहने देंगे। अंदर आ जाओ। आप सारे बच्चे अच्छे ईसाई बनेंगे। सुनो काफिरों, हमारे दिल ईमान से भरे हुए हैं, हम कभी नहीं झुकेंगे। ये सब आप जल्दी सीख जाएंगे। आराम कर लो बच्चों।
आराम करो। हिम्मत रखो सब, उस्मान साहब हमें जरूर बचाएंगे। मुझे यकीन है कि वो जानते हैं हम यहाँ हैं। सुराग छोड़ा था मैंने। इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बाला। अहमद और उसके साथ बाकी बच्चे जल्द वापस आएंगे इंशाल्लाह। फिक्र मत करना। आपकी तैयारी पर मुझे पूरा यकीन है, छुड़वा लेंगे उन्हें। बच्चों को भी लेकर आएंगे और उन गीदड़ों की गर्दनें भी धड़ से अलग करके आएंगे। बस तुम परेशान मत होना। अंदर आ सकती हूँ हुजूर? आ जाओ। खवातीन से बात करके आई हूँ, बहुत खुश हैं। तमाम खवातीन आपके लिए बहुत दुआएं कर रही हैं। कुछ देर और, कुछ ही देर में वो कबीले लौट आएंगे। हुजूर, अंदर आ सकता हूं? आ जाओ जरकुताए। हुजूर, अहमद का छोड़ा गया सुराख मिल गया। बच्चे इबादत गाह में है। अरे माशाल्लाह, जाइए और उनसे कह दीजिए कि वक्त आ गया है बच्चों से उनकी माओ की मुलाकात का। मासूम बच्चों पर जुल्म करके उन काफिरों ने अपनी आखिरी हद को छू लिया है। अब की बार बहुत बड़ी जंग होने वाली है, देखिएगा। नौ बहने वाला खून सिपाही मैदान जंग में बहाएंगे। जनाब गंदूस साहब, बहुत ज्यादा तलवारें तैयार करनी होगी। दाऊद उस्ताद, क्या आपका मतलब है कि दौराने जंग हमारे पास सिपाहियों को देने के लिए तलवारों की कमी होगी? हरगिज नहीं जनाब, तलवारें हैं हमारे पास, लेकिन अगर किसी बड़ी जंग की बात हुई तो उसके लिए तलवारें हमारे पास नाकाफी होंगी। हमें और तलवारें चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेंगे। जरूर करेंगे जनाब, जरूर करेंगे। तुम हमें कभी नहीं बदल सकोगे। वो सब यही है अंदर, और काफिरों का सख्त पहरा होगा वहां। हदफ तक पहुंचने के लिए दो दरवाजे हैं हमारे पास, और याद रहे कि दरवाजों पर दो दो सिपाही मौजूद हैं, और पांच सिपाही अहाते में तैनात होंगे। हम जैसे ही दरवाजे खोल के अंदर दाखिल होंगे, तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ अहाते की जानिब बढ़ेंगे।
आयगुर्द पहले ही अंदर जा चुका है। वो वहां से इशारा देगा कि अंदर सिपाही मौजूद हैं पादरियों के साथ या नहीं, और बाकी का फर्ज हमारी तलवारें अदा करेंगी। लेकिन ये याद रहे कि हमारी औलाद अंदर मौजूद है, जो कदम उठाओ ये जहन में रख के उठाना। सिपाहियों, सवार हो जाओ घोड़ों पर। उस्मान, तुम्हें लगा कि मैं बच्चों को ऐसे ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा? वो बच्चों को नहीं ले जा सका। लानत हो उस पर। उस्मान बच्चों के ठिकाने से वाकिफ है। बात सुनो, तुम फौरन जूलिया के पीछे जाओ। उन बच्चों को हैरिस्तोस के बजाय आया योर्गी वाली इबादतगाह में ले जाओ। जल्दी जाओ। सिपाहियों तैयार हो जाओ। मैं निकोला और कोसिस के साथ मंसूबाबंदी करके उस्मान का सामना करूंगा, मगर पहले मसीही बच्चों के लिए तुर्क बच्चों जैसे लिबास का बंदोबस्त करना होगा। उस्मान उन बच्चों को तुर्क बच्चे समझेगा। चलो, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? हर बार तुम हमसे जिंदा नहीं बच पाओगे उस्मान, इस बार सब खत्म। हमला करो। कोई नहीं बचेगा। तीरंदाजो हमला, कोई आगे ना बढ़ पाए। आ जाओ। क्या हो गया? शिकार करने आए थे, खुश शिकार बन गए उस्मान। देखो कैसे तुम दबा कर फरार हो रहा है। भेड़िया कभी भी शेर पर गालिब नहीं आता। कोशिश तो अच्छी की थी उसने, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाया। उल्टा जाल में तो फंसी गया था वो, मगर बच्चों को नहीं ले पाया। मैं तो बस एक ही चीज जानता हूँ, और वो है सिर्फ फतह। अब हम नए ठिकाने पर छोटे तुर्कमानों से मुलाकात के लिए जा सकते हैं। पता हमेशा हमारी होगी,
फतह हमारी होगी। बिल्कुल फतह हमारी होगी। फतह हमारी होगी।